अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक आहद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने रिएक्ट ऐप के अंदर टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको मैं यूज़ करना भी बताऊंगा आपको कि हम उसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आएँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है टेलविन सीएसएस, ठीक है। उसको करने के बाद आपके पास ये पहला जो लिंक आएगा ना, टेलविन डॉट सी एस एस डॉट कॉम वाला, उसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे ठीक है। तो ये आ गया आपके पास टेलविन सी एस एस। अब ये जो आपके पास आ रहा है इसके थ्रू आपने अपने जो ऐप है उसके अंदर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपने इन दोनों कमांड्स को कॉपी कर लेना है, अपने जाना है इसमें। अब मेरे पास ये दो चार प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। अब मेरे पास जो ये ऐप वाला प्रोजेक्ट है इसमें मैंने टेलविन इंस्टॉल नहीं की हुई, इसमें मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो इस प्रोजेक्ट में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, सी डी ऐप माई प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। वहाँ पे आके जो मैंने वहाँ पे कमांड्स कॉपी की थी उनको पेस्ट करूँगा तो ये यहाँ पे जो है ना ऐप इंस्टॉल जो टेलविन सी एस एस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपको एक फ़ाइल नज़र आ जाएगी जेसन के नाम से, ठीक है। ये देखें, ये टेलविन डॉट कॉन्फ़िग डॉट जी एस के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है मेरे ऐप के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आपको स्टेप टू जो है वो क्या है कि आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ्स। ये जो ये चीज़ें इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने जाना है टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जी एस के अंदर। ये ठीक, ये पूरा जो है ना इसको आपने यहाँ से कॉपी कर सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। जो चेंजेस होगी वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा। उसके बाद जो स्टेप थ्री है उसमें वो क्या कह रहा है जी, आपने क्या करना है, ऐड द टेलविन डायरेक्टिव्स टू योर सी एस एस। आपने जाना है इसको कॉपी करना है और अपना जो इनपुट डॉट सी एस एस है या इंडेक्स डॉट सी एस एस है उसमें जाना है और वहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, जिस तरह ये इंडेक्स डॉट सी एस एस। इस पूरे कोड को आपने कॉपी कर लेना, सॉरी सेलेक्ट कर लेना, वहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना, ठीक है, और इसको सेव कर देना। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। और अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने अपना जो टर्मिनल है उसको रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन पी एम स्टार्ट, ठीक है। तो आप अपने उसके अंदर ऐप के अंदर इसको यूज़ कर सकोगे। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो मैं आपको कुछ चीज़ें जो करनी बता दूँगा कि किस तरह हम टेलविन सी एस एस को यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी चीज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेलविन ट्यूटोरियल, स्पेलिंग जो भी है ट्यूटोरियल, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं ये करता हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने कोड लिखा था पहले, अच्छा जी, ये ना मेरी दूसरी वाली ऐप जो है वो रन हो रही है, ये वाली ऐप रोड ये है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको भी मैं ये है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं जो है ऐप रोड जैसे इसको मैं सारे को ख़त्म करता हूँ, आर एफ सी ई करके इसको मैं दोबारा से राइट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया ऐप। अब मैं इस ऐप वाले कंपोनेंट के ऊपर अपनी जो टेलविन है इसको मैं यूज़ करूँ। जैसे आप ये देखें यहाँ पे आपकी जितने भी ये चीज़ें सारी आपको डिस्प्ले हो रही है। अब ये किसके थ्रू होता है, आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है अपने ऐप के अंदर। ये एक तो ये चीज़ करनी होती है E7, ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए, और दूसरा ये टेलविन सी एस एस इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर ये आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपको सब क्लासेस के जो नेम है वो याद रखने पड़ेंगे। इससे क्या होता है, सिंपली वो आपको रिकमेंड कर देता है आपने जो भी करना होता है, जिस तरह विड्थ मुझे चाहिए तो ये मैं कर लूँगा, बीजी
कलर जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं स्लेट 500, और उसके बाद टेक्स्ट जो है वो वाइट चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है, विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ 10, तो विड्थ जो है वो भी हो जाएगी। इसको मैं फुल कर देता हूँ। हाइट अगर मुझे करनी है तो हाइट 10, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर करना है तो टेक्स्ट सेंटर। इस तरह करके आप अपने इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेंटर करते हैं, ठीक है, फ्लैक्स करें और ये आपका सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इस तरह आप अपने ऐप के अंदर जो है टेलमेंट सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कन्फ्यूजन्स जो थी आपकी वो भी दूर हो गई होगी। ठीक है, और वीडियो के लास्ट पे सेम रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।